हरि ओम फ्रेंड्स, सब्सक्राइब करूँ ओडिया ऑनलाइन चैनल को, बेल आइकन को मध्य क्लिक करूँ जहाँफल प्रत्येक वीडियो सर्वप्रथमे पाइपर। कहा जाए कि व्यक्ति स्वभाव निर्धारित करने बहुत कारक होती, किंतु सामुद्रिक शास्त्र अनुसार बाहर कारक व्यतीत किसी प्राकृतिक कारण भी होता है जहाद्वारा व्यक्तित्व निर्माण होता है। प्राकृतिक गुण को बदल जापे ना प्रकार ज्योतिष शास्त्र अनुसार भी कौन व्यक्ति जन्मराशि प्रभाव विषय कह ज्योतिष शास्त्र अनुसार चारोटी राशि को सब मजबूत और शक्तिशाली राशि कह राशि व्यक्ति प्रत्येक प्रभावी रही था। आसतु जाणवा एम विषय मेष राशि। यह श्रेणी में सब प्रथम नंबर अटे मेष राशि, जहाँ अन्य समस्त सब अधिक ऊर्जावान विचार कराए। यही लोक मैंने सर्वदा सक्रिय रही था, अटिक रहा एम स्वभाव रही न था। जदि किए एम को बोर करुए तो एमने इग्नोर करवा आरंभ कर दिंती। लोक मैंने काजरे भरोसा करती ना, प्रत्येक कथा को सर्वदा निज हाथ में ही रखी था। एमंर निर्णय केवल निजर निर्णय ही होता है। बिछा राशि। बिछा राशि जातक समर्पित और सचोट होती, किंतु ता सहित एम द्रोही स्वभाव भी प्रमुखता सहित रही था। जो लोक मैंने योग्य अटंती से सहित एम सचोटतार व्यवहार करु जो लोक मैंने धोखा देवा भाई होता एम को यही राशि व्यक्ति सर्वदा सावधान रहा उचित। यही जातक बहुत अधिक भावुक होता, यही कारण बेले बेले एम को सहन करवा कष्टर होता है। कुंभ राशि। कुंभ राशि सब मुख्य गुणटी यह अटे कि एमने के भावन बही जा कौन निर्णय नि जदि आवश्यक होता है तो एमने निजर भावना और संवेदना को एक पक्ष को करके भी आग को बढ़ी पारती। कुंभ राशि व्यक्ति बहुत सचोट और जिज्ञासु होता, एमने बुद्धिमान व्यक्ति भाव समाज गण्य होता। मकर राशि। यह सब उत्कृष्ट राशि विचार कराए, एपरी एथपाई कहीं एम भितर आत्मनियंत्रण भावना बहुत प्रबल रही था। एम भर अन्य राशि व्यक्ति अपेक्षा अधिक गुणवत्तार सहित चिंता करने और बुझार क्षमता रही है। एपरी लोक सर्वदा सक्रिय रही था। एम स्वभाव अटिक रहा आदम हो न था, एमने बहुत शीघ्र ही निजर उद्देश्य को पाइबार सफल होता। तो यह से ही चारोटी राशि व्यक्ति जी कि सब अधिक साहसी और सब अधिक शक्तिशाली होती, प्रत्येक क्षेत्र में सफलता एम पाद चुमि थाए। तेज भिडियोटी आपको किपर लगे, जदि भल लगी है लाइक टे करूँ, कमेंट करूँ, भिडियोट को आप फ्रेंड्स अनुसार सेयार करूँ और आम यूट्यूब चैनल ओडिया ऑनलाइन को जदि आपर्यंत सब्सक्राइब करना सब्सक्राइब करनी। धन्यवाद।